students, welcome back to my channel. In this video, we will explain exercise 1.4. Question number 4. Write 5 pairs of integers AB such that A divided by B is equal to minus 3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided by minus 2 is equal to minus 3. तो इसमें बताया है हमें कोई 5 ऐसे pairs बनाने हैं जो integers की form में हो और उसको क्या शो करना है a divided b इसके इक्वल है माइनस 3 के और उन्होंने एक एग्जांपल के साथ दिया जैसे कि ये एग्जांपल है 6 divided by 2 अगर इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 3 तो इसी पैटर्न के साथ 5 हम और इंटीजर्स लेंगे तो देखते हैं इसको तो पहले है a b तो a b पार्ट हम कुछ भी ले लेंगे a ले लेंगे 12 b ले लेंगे माइनस 4. कोई भी टेबल जो 3 के टेबल्स पे जा रहा हो तो वो उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस 3 तो मैंने ले लिया 4 का टेबल a is equal to 12 b is equal to minus 4 तो इसको अगर डिवाइड करेंगे a divided by b तो ये कितना आ जाएगा 12 divided by minus 4 तो आंसर कितना आ जाएगा ये अगर 12 को डिवाइड करेंगे minus 4 से तो डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल में तो कैंसिल होके कितना आ गया माइनस 3 तो आंसर कितना आया आपको a डिवाइडेड बाय b किया तो आंसर आया माइनस 3 ऐसे ही ये फर्स्ट पार्ट है तो दो चार पेयर और बनाएंगे तो सेकंड इसका पेयर देखते हैं कौन सा बनता है तो वो नंबर है a is equal to 15 b is equal to minus 5 तो 15 को अगर डिवाइड करेंगे माइनस 5 से तो भी आंसर कितना आएगा माइनस 3 ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं इसका एक और पेयर बनाते हैं जिसमें माइनस 3 आ जाए 6 का टेबल ले लेते हैं तो ये लिख लेंगे 18 a is equal to 18 b is equal to minus 6 तो ये आ गया 18 divided by minus 6 तो ये आंसर आया माइनस 3 ऐसे फोर्थ पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट में हम 8 का टेबल ले लेते हैं a is equal to 24 b is equal to minus 8 तो ये आ गया 24 divided by minus 8 is equal to minus 3 तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट में आप कोई भी नंबर ले लें जैसे 21 a ले लिया मैंने 21 और b ले लिया minus 7 तो ये आ गया 21 divided by minus 7 तो आंसर आ गया 3